वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन कढ़ाई और आपको उनके इंग्रेडिएंट्स बताते हैं कितने क्या अज़ा है। ये अपना 6 टमाटर हैं छिलके उतारे हुए, आधा किलो ये चिकन है, ये 2 चम्मच दही है, ये 8 मिर्चें हैं, ग्रीन चिली है, ये हाफ कप के बराबर, हाफ कप भी नहीं है बल्कि आधे से भी कम ये प्याज है बारीक कटे हुए है, और 1 चम्मच है लहसुन और 1 चम्मच है अदरक। अब हम आपको बताते हैं कि ये कैसे चिकन कढ़ाई बनती है। मेरे घर में अमूमन रोज़ाना बनती है, मतलब 2-3 दिन के बाद। बच्चे मेरे बड़े शौक से खाते हैं। तेल डाला है, अब हम इसमें थोड़ा सा ये जो प्याज है ये डाल देंगे हम इसमें। इन्हें थोड़ा सा हल्का सा ज़रा सा ब्राउन करेंगे। ये देखें हल्के हल्के प्याज वो हो गए हैं गोल्डन। अब हम इसमें ये टमाटर डाल देंगे। टमाटरों के साथ ही 1 मिनट के बाद हम इसमें, क्योंकि उनके छिलके उतरे हैं ये बहुत जल्दी नरम हो जाएंगे, अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। अब हम इसमें ये लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब हम इसमें ये अदरक का पेस्ट डाल देंगे। और इसे हल्की आंच पे ढक के रख देंगे, क्योंकि टमाटरों का पानी और चिकन का पानी जो निकलेगा इसमें हम ये 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक हर से जायका है। अब अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, वरना बराबर है। ठीक है, पानी है, टमाटर आस्ता आस्ता मेल्ट हो रहे हैं। इसी पानी में हमने चिकन को गलाना है। नमक हमने इसमें पहले से शामिल कर दिया था। अब हम इसमें ये 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे और ये 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें लाल डालेंगे। अब इसका पानी बिल्कुल खुश्क होगा, फिर हम इसमें दही और दूसरे मसाले ब्लैक पेपर वगैरह डालेंगे। देखें ये इसका पानी सूख रहा है। इस कंडीशन में बिल्कुल हल्की आंच करके आपने इसमें दही ऐड करना है। ये जो 2 स्पून हमने लिया है ताकि वो इसी के साथ खुश्क हो जाए। आस्ता आस्ता ऑयल ऊपर आ रहा है। अब हमने इसकी अच्छी तरह भुनाई थोड़ी सी करनी है, क्योंकि ये ब्लैक पेपर में हम बना रहे हैं। देखें ये ऑयल ऊपर आ गया है, हमने 5 मिनट इसकी भुनाई की थी। अब हम इसमें ये कुटी हुई काली मिर्चें हैं, ये देखें कुटी भी है, मोटी मोटी भी हैं और थोड़ी सी हल्की सी बारीक है, ये हम 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे। जो थोड़ा सा स्पाइसी चाहते हैं वो इसमें रेड चिली भी डाल सकते हैं, रेड चिली का यानी कि पाउडर वो भी डाल सकते हैं।
अब हम इसमें ये जो हमारी हरी मिर्चें थी जो हमने 8 पीस लिए हैं हरी मिर्चों के, ये हम इसमें डाल देंगे। बस 3 मिनट तक और इसकी भुनाई करनी है, उसके बाद हम डिश आउट कर देंगे। देखें ये हमारी चिकन कढ़ाई तैयार है। अब हम इसे बॉल में निकालते हैं और आखिर में गार्निश के लिए अदरक और हरा धनिया ऊपर छिड़कते हैं। देखें हमारी चिकन कढ़ाई ब्लैक पेपर में तैयार है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा तंदूरी नान के साथ। अपना ये खाइएगा और रायता पुदीने का। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।